घर में पधारो गणपति जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गणपति जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गणपति जी पधारो, घर में पधारो गणपति जी पधारो, घर में पधारो गणपति जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गणपति जी मेरे घर में भवर में आन फंसा हूँ, माया नगर में उलझा हुआ हूँ, मोह भवर में आन फंसा हूँ, माया नगर में उलझा हुआ हूँ, मुझको उबारो गणपति जी मेरे भाग्य जगा दो, मुझको उबारो गणपति जी मेरे भाग्य, घर में पधारो गणपति जी पधारो, घर में पधारो गणपति जी पधारो, घर में पधारो गणपति जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गणपति जी मेरे घर में पधारो, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति रूठता है तो ये जग रूठे, चाहे अपना पराया छूटे, रूठता है तो ये जग रूठे, चाहे अपना पराया छूटे, तुम न बिसारो गणपति जी मेरे भाग्य सवारो, तुम न बिसारो गणपति जी मेरे भाग्य सवारो, घर में पधारो गणपति जी पधारो, घर में पधारो गणपति जी पधारो, घर में पधारो गणपति जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गणपति जी मेरे घर में पधारो। सुन लो माँ गौरा के दुलारे, आस लिए आया हूँ द्वारे, हाँ सुन लो माँ गौरा के दुलारे, आस लिए आया हूँ द्वारे, दर से न टारो गणपति जी मेरे भाग्य जगा दो, दर से न टारो गणपति जी मेरे भाग्य जगा दो, घर में पधारो गणपति जी पधारो, घर में पधारो गणपति जी पधारो, हाँ घर में पधारो गणपति जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गणपति जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गणपति जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गणपति जी मेरे घर में पधारो। जय जय गणपति देवा तेरी, जय जय गणपति, तेरी महिमा गजानन सबसे महान, तेरी महिमा गजानन
सबसे महान। देवा सबसे निराली तेरी शान, देवा सबसे निराली तेरी शान। जय गणपति महाराजा, जय हो हे महाराजा। जय गणपति महाराजा, जय हो हे महाराजा। शुभ काम करने से पहले नाम तुम्हारा लेते हैं, विघ्नों के हरता मंगल करता, संकट सब हर लेते हैं। शुभ काम करने से पहले नाम तुम्हारा लेते हैं, विघ्नों के हरता मंगल करता, संकट सब हर लेते हैं। अड़चने सभी मिट जाती हैं, बन जाते हैं सारे बिगड़े काम। देवा सबसे निराली तेरी शान, देवा सबसे निराली तेरी शान। जय गणपति महाराजा, जय हो हे महाराजा। जय गणपति महाराजा, जय हो हे महाराजा। जहाँ पे होती पूजा तेरी रिद्धि सिद्धि आ जाए, हर आंगन खुशियों से महके, सुख समृद्धि बरसाए। जहाँ पे होती पूजा तेरी रिद्धि सिद्धि आ जाए, हर आंगन खुशियों से महके, सुख समृद्धि बरसाए। सब पर ही कृपा करें, निर्धन हो या कोई धनवान। देवा सबसे निराली तेरी शान, देवा सबसे निराली तेरी शान। जय गणपति महाराजा, जय हो हे महाराजा। जय गणपति महाराजा, जय हो हे महाराजा। मोदक का जो भोग लगाए, दुर्वा इनको चढ़ा दे। गणपति देवा खुश हो करके उसके भाग्य जगा दे। मोदक का जो भोग लगाए, दुर्वा इनको चढ़ा दे। गणपति देवा खुश हो करके उसके भाग्य जगा दे। मेहनत का फल मिलता है, बढ़ जाता जग में यश और मान। देवा सबसे निराली तेरी शान, देवा सबसे निराली तेरी शान। जय गणपति महाराजा, जय हो हे महाराजा। जय गणपति महाराजा, जय हो हे महाराजा। तेरी महिमा गजानन सबसे महान, देवा सबसे निराली तेरी शान, देवा सबसे निराली तेरी शान। जय गणपति महाराजा, जय हो हे महाराजा। जय गणपति महाराजा, जय हो हे महाराजा। जय गणपति महाराजा, जय हो हे महाराजा। जय गणपति महाराजा, जय हो हे महाराजा।
श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। जो भी सुने ये गाथा कल्याण हो उसी का, कहते हैं जग के ज्ञानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति बाप्पा मोरिया। आइए भक्तों, गणपति बाप्पा के जन्म की कथा सुनते हैं, श्रद्धा से सुनिए। शक्ति से पार्वती ने एक गण किया था पैदा, करता था पहरेदारी माता की जो हमेशा। एक दिन जो भोले आए चाहा के जाऊं भीतर, बालक ने उनको रोका क्रोधित हुए शिव शंकर। शिव जी को टोकने पर, भोले को रोकने पर गर्दन पड़ी कटानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। जय जय गणपति महाराज की जय हो। माँ पार्वती अपने पुत्र की हालत देखकर क्रोधित हो जाती हैं और क्या कहती हैं, सुनिए। माँ पार्वती ने देखी जो पुत्र की ये हालत, विचलित हुआ मन उनका तो हो उठी वो क्रोधित। सृष्टि विनाश करने का माने सोचा मन में, आया प्रलय कुछ ऐसा फिर भक्तों त्रिभुवन में। थर्राए सारे देवगण, कांपे ऋषि मुनि जन, विचलित हुए सब प्राणी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। और उसके बाद ब्रह्मा जी के संग सारे देवगण शिव जी के पास आए और कहने लगे, माँ गौरा के क्रोध को किस तरह से शांत किया जाए। ब्रह्मा जी के संग देवगण शिव जी के पास आए, विपदा सुना के सारे सब शीश थे झुकाए। शिव बोले, जाओ जाकर गौरा को सब मनाओ, मांगो क्षमा तुम उनसे और शांत उन्हें कराओ। प्रलय तभी रुकेगा क्रोध उनका जब थमेगा, है क्रोध में महारानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। और उसके बाद सभी देवगणों ने माँ गौरा से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, अनुनय विनय किया। उसके बाद देखिए क्या होता है। कर जोड़ देवगण ने माता से क्षमा मांगी, करुणामयी अम्बे ने उनको क्षमा तो दे दी। पर तीन शर्तें रखी देवों से फिर शिवा ने,
जीवित हो पुत्र मेरा और प्रथम पद भी पाए। उसकी प्रथम हो पूजा, शिव माने उसको बेटा, कहने लगी शिवानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। और भोलेनाथ कहने लगे कि जाओ उत्तर दिशा में, और जो भी पहला प्राणी दिखे उसका सर लेकर आओ। पहले दिखे जो प्राणी सर उसका लेके आओ। उत्तर दिशा में हथनी को सोते जब के देखा, हथनी के साथ सोया था उसका छोटा बच्चा। बच्चे के सर को काटा और लेके आए देवता। खुश हो गए शिवदानी, खुश हो गई शिवानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। और गौरा ललन के तन पर जब गज का शीश रखा गया, तब क्या हुआ ये देखते हैं, आइए। गौरा ललन के तन पर जब गज का शीश रखा, शिव मंत्रों की शक्ति से तब प्राण उसमें आया। शिव ने गणेश कहकर उसका किया नामांकन, बोले के गणाध्यक्ष है मेरा ललन गजानन। सुन लो ये मेरी वाणी, सच है ये मेरी वाणी, ऋषियों की ये जुबानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। तो आइए, क्यों गणपति का नाम प्रथम होता है सुनते हैं, श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। है जानता ये त्रिभुवन है आदि देव गजानन, भगवान गणपति का होता प्रथम है पूजन। मंगल हो काज कोई, पूजा हो पहले इनकी, फिर बाद उसके सारे देवों की हो स्तुति। पहले हो इनका पूजन, फिर औरों का आवाहन, ये रीत है पुरानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी, देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। माँ गौरा का ये प्यारा लल्ला बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। तो आइए सुनते हैं आगे क्या होता है। शिव पार्वती का लल्ला ये है बड़ा कृपालु, करता दया है सब पर ये है बड़ा दयालु।
ये लंबे उदर वाला है लड्डुओं का प्रेमी, लेता है भोग में ये मोदक से भरी थाली, जो भोग से लगाए मोदक ही लेके आए। सुन ले हर एक प्राणी, श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी देवा की है कहानी, श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। और गणपति बाप्पा बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे लगते हैं जब श्रृंगार, माथे पर मुकुट और गर्दन में रत्नों की माला होती है। माथे मुकुट है इसके, गर्दन में रत्न माला, सुमुख है ये गजानन, लगता है भोला भाला। लंबा उदर है इसका और कान भी बड़े हैं, एक दंती है चतुर्भुज, ये सब ही जानते हैं। कितनी है प्यारी प्यारी, देखो तो छवि इसकी, लगती है क्या सुहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी देवा की है कहानी, श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। और एक बार गणपति जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए ये साबित कर दिया कि वो बुद्धि के भी देवता हैं। तो आइए उदाहरण सुनते हैं। कार्तिक के बोल पहले मैं ब्याह रचाऊंगा, देवा ने कहा पहले मैं फेरे लगाऊंगा। शिव बोले सबसे पहले करनी हो जिसको शादी, करके परिक्रमा वो घुमाए सारी पृथ्वी। कार्तिक के मोर लेकर हो गए सवार, उस पर उड़ने की दिल में ठानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी देवा की है कहानी, श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। और गणपति महाराज ने बड़ी ही चालाकी से बिना पृथ्वी के चक्कर लगाए शिव और पार्वती के चक्कर लगा लिए और इस तरह वह जीत गए। कार्तिक के उड़ चले जब कुछ दूर जाके पहुंचे, श्री गणपति भी अपने स्थान से उठे। माता पिता को आदर से आपने बिठाया, प्रणाम करके उनको चक्कर भी एक लगाया। कर ली यो शर्त पूरी, पहले रचाई शादी, कामाई बुद्धिमानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी, गणपति की है कहानी देवा की है कहानी, श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। और एक बार गणपति जी बहुत नाराज हो गए चंद्र जी के उस कटाक्ष से, क्रोधित हो गए। और देखिए क्या होता है। लंबा उदर जो देखा तो चंद्र हंस के बोला, क्या खूब तोंद पाई है तुमने ए गणेशा। सुनकर ये बात उसकी क्रोधित हुए गजानन, फिर दे दिया शशि को
देवा ने श्राप फौरन श्राप ऐसा रंग लाया हो गई मलीन काया रंगत पड़ी गवानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। और गणपति बाप्पा बहुत ही दयालु हैं। कहते कि उनके द्वार पर जाने वाला हर भक्त कुछ ना कुछ पाकर ही आता है। आते हैं मांगने जो श्री गणपति के द्वार कर देते हैं गजानन उन सब के वारे न्यारे दर से कोई भी उनके जाता नहीं है खाली। मन की मुराद लेकर आता है हर सवाली रिद्धि सिद्धि के दाता करते हैं सब पे कृपा देवा बड़े हैं दानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। कहते हैं कि गणपति बाप्पा की जो मन से भाव से सेवा करता है कहते हैं कि उसके हर कष्ट गणपति बाप्पा दूर कर देते हैं। दिन रात गणपति की करते हैं जो भी सेवा खाते हैं वो हमेशा मिष्ठान और मेवा सब मंगल कार्य उनके करते हैं देवा पूरन सुख में गुजारते हैं वो भक्त अपना जीवन। आते न उन पे संकट दूर करते कष्ट गणपत होती न उनको हानि। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी। बोलिए गणपति महाराज की जय। और आइए सभी भक्त गणपति जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करें कि सब पर कृपा बनी रहे। हे उमा पुत्र देवा हम सब पे करना कृपा करते रहेंगे हम सब आजीवन तेरी पूजा। वरदान ऐसा देना हमको गिरजा नंदन इच्छाएं सब हमारी हो जाए देवा पूरन। हरदम दया के दृष्टि हम पर हो गणपति जी करना ये मेहरबानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी गणपति की है कहानी देवा की है कहानी गणपति की है कहानी देवा की है कहानी। श्री गणपति की गाथा देवा की है कहानी।